ये जो आप धान देख रहे हो ना, यही धान को हम खेतों में लगाते हैं एंड फिर उसका जो प्लांट होता है उसी प्लांट को हम खेतों में लगाते हैं। धान का बीज खेतों में लगाने के बाद या 2 से 3 सप्ताह के बाद इसके हरे भरे पत्तियां, हरे भरे से पौधे आ जाते हैं एंड फिर जब ये लगाने लायक हो जाते हैं जिस खेत में धान लगाना होता है उसे हम इस बीड़ा या फिर बीहन, इसे हम बीड़ा या बीहन कहते हैं, इसे उखाड़ते हैं ताकि हम खेत ले जाकर वहाँ अच्छे से रोप सकें। इसे सारे मतलब अच्छे तरीके से हम निकालते हैं, उखाड़ते हैं एंड खेतों में जाके रखते हैं ताकि हमें रोपने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है जहाँ बीड़ा जहाँ लगा होता है एंड फिर जहाँ पर रोपना होता है वहाँ ला के रोपना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम एक ही बार निकाल कर खेतों में रख देते ताकि आसानी हो रोपने में। तो बीड़ा लाने से पहले हम खेतों को अच्छे से बैलों से या फिर ट्रैक्टर से अच्छे तरीके से जोतते हैं एंड ये जो लकड़ी सा देख रहे हो ना, इसे हम पाटा कहते हैं। ये जो लकड़ी है इसे हम पाटा कहते हैं एंड इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि ये पूरे सॉइल को, पूरे मिट्टी को प्लेन करता है एंड रोपा रोपने में काफ़ी आसानी होती है। तो इवेंचुअली खेत जोतने के बाद हम गांव के पाहन से खेत का पूजा करवाते हैं। उनमें 5 पिंडा बनता है और फिर सिंदूर दिया जाता है उन 5 पिंडों को, प्लस यहाँ जो बीड़ा हो रखा रहता है उन बीड़ों को भी सिंदूर दिया जाता है एंड उस पिंडा में 5 तरह के घर के अनाज डाला जाता है, यूज़ किया जाता है, जैसे कि धान, महुआ, मकई, फिर रहड़, बादाम वगैरह, जो घर का उगाया हुआ चीज़ होता है एंड फिर पाहन उस धान को रोपते हैं, फिर खेत में धान रोपना स्टार्ट कर देते हैं लोग। फाइनली जब पूजा ख़त्म हो जाए तो हम सब रोपना स्टार्ट करते हैं सारे फ्रेंड्स मिलकर एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो मिट्टी मिट्टी होना प्लस वो कीड़े मकौड़ों से डरना एंड भारी बारिश में भी भींग भींग कर रोपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी मज़ा आता है सारे फ्रेंड्स के साथ।